हर किसी का मजा आता है, वो भी सब हैप्पी कर रहे हैं वो लोग। हे गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो हम फिलहाल रेडी हो चुके हैं, आज हम निकलने वाले हैं सात ताल को। कुछ मेहमान आए हमारे घर में, मतलब मेरी चाची की दीदी लोग आ रखे हैं, तो हम लोग उनको घुमाने के लिए सात ताल जाने वाले हैं। और देख सकते हैं मैंने इस बीच प्री लाइट करवा रखा है कुछ एवं। तो हम जा रहे हैं पोले उसके रास्ते, यहाँ से गाड़ी बुक करी है तो हम लोग सब गाड़ी में जाने वाले हैं। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, तो चेक करें और देखते रहिए। अरे बोलो, पहले आ गए थे ना। बस तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। अरे बैठिए बुआ, हाँ जा रहे हैं, आओ आप भी। चलो, मैं बात नहीं कर रही, मैं ब्लॉग बना रही थी। तो ये आ चुकी है गाड़ी और वो सारे लोग हैं, एक तीन लोग स्कूटी में जाने देखे हमारे साथ के, बाकी हम लोग जाने वाले हैं इस गाड़ी में। तो बैठते हैं और चलते हैं सीधे। तो अब हम निकल चुके हैं और ये जो आगे स्कूटी जा रहे हैं इसमें हैं तीन लोग, बाकी हम लोग हैं पाँच इस गाड़ी में। चलो तो अभी देख सकते हैं हम लोग सारे साथ में खड़े हुए हैं और यहाँ पे ही हैं सब लोग। तो अभी हम शाही या रिवर क्रॉसिंग जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है हमें यहाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा। अच्छा चलो हम भी चलते हैं अब यहाँ से। हाय गाइस, हमारे साथ, प्लीज सब्सक्राइब माय सिस्टर्स चैनल। और ये तो स्पेशल रुड़की से आ रखे हैं, रुड़की से यहाँ इस बार नैनीताल। तो थोड़ा देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ कितना प्यारा मौसम हो रहा है। प्लस ये हमारे कुछ भाई, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। अच्छे से देखो इसकी शक्ल, इसको तो रोज ही देखा होगा आपने। हाँ। बाकी ये भी रुड़की से आए हैं और पीछे तो रह जाते हैं। क्या बोल रहे थे, कितना रेट बोल रहे हैं? चलो तो अब इनका फाइनली यहाँ पे डिसाइड हो गया कि जिप क्रॉसिंग करने वाले हैं, मतलब जिप लाइनिंग करने वाले हैं राम के किनारे वाले। तो पर है 200 रुपीज़ का रेट। तो अभी दिखाते हैं इनको, ये लोग कर रहे हैं तो आपको भी दिखाते हैं और शायद मैं भी कर लूँ, क्या पता। तो बने रहिए। और पर है 200 रुपीज़ है, तो आ सकते हैं यहाँ पे। ये है एकदम खुल के बदल है, जहाँ पे आधा लेक इधर है आधा लेक इधर है, एकदम बीच सेंटर में है, यहाँ पे कर सकते हैं। और पीछे से आ रहे हैं वो लोग और आगे चले गए बाकी लोग, आपको दिखाते हैं हम आगे कि सारे कैसे, ये सारे करने वाले हैं, देखते हैं कैसा करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। क्या है नीचे से रोप होती है ना, उसे हल्का सा पकड़ना पड़ता है। बहुत अच्छा था।
एवरीवन शुड ट्राई दिस। तो अभी इन लोगों ने कर ली है यहाँ पर से जिप लाइन, मतलब एक बार मैं लाइफ जैकेट उतार दूंगी। उसके बाद अभी हम आप सोच रहे हैं कि स्विमिंग करने का, तो हम पांच लोग स्विमिंग करने वाले हैं, तो उस पर चलते हैं हम। चलो पानी के अंदर सीधा water and here are my friends. Say hi. Say hi everyone. बड़ा मजा आ रहा है। अंदर को जाना, इधर को हम लोग स्विमिंग करके आ चुके हैं और बड़ा मजा एक्सपीरियंस सारे को बहुत मजा आया। लेकिन हम अब कपड़े लेके नहीं आए थे अपने, क्योंकि हमें गीले ही जाना है घर तक, और हम जाने वाले हैं पैदल। हम जाने वाले हैं पैदल, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और ये लोग निकलने वाले हैं स्कूटी में। हाउ द एक्सपीरियंस? इट वाज नाइस, अमेजिंग। अभी बोटिंग और सारे लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी सब लोग भी सब भीगे हुए, क्योंकि कपड़े हमको भी नहीं थे इसलिए सब लोग भीगते हुए जा रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे और आपको भी दिखाते हैं। लेकिन मज़ा बहुत आया, एक से डेढ़ घंटे हम नॉन स्टॉप पानी में थे स्विमिंग। लेकिन शायद ये वो निकल चुके हैं, देखिए स्कूटी में तीन लोग, ये थोड़ा आगे थे, इनको छोड़ के आएंगे फिर हमको ले जाएंगे।
ऐसे ऐसे करके दो तीन राउंड में हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टूरिस्ट, जब हम आए थे तब तक यहाँ तक बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं थी, बट अभी देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा हॉले में देख रहे हैं इतनी सारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिकंजी वगैरह बिकने वाला है। वाटरफॉल का रास्ता, वाटरफॉल कुछ ऐसे कुछ जगहों में, मस्त ऐसी जगहों में, लेकिन हम गए तो नहीं थे उस दिन में, पिछली बार भी व्लॉग में देखा। तो यहाँ से जैसे कुछ दिखाने वाले, पता नहीं क्या दिखाने वाले। तो यहाँ पे देखिए एक दो मूर्ति बना रखी है, बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा भी हुआ है। कहाँ है दबो वाला ताल, ये वाला पता नहीं कौन सा देखे, कुछ इसमें देखे। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से भी, जब आ गया तो हमको लेने के लिए कि रूम बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं, तो इसलिए हम स्कूटी में जा रहे हैं। बाकी कुछ ऐसा है, हम लोग टोटल 8 लोग थे, जिसकी वजह से रजत पहले 2 लोगों को छोड़ के गया, उसके बाद 2 हम लोगों को छोड़ के गए यहाँ तक नंदमणि ताल तक, और अभी उन दोनों को भी लेने गए हैं, मतलब चाची लोगों को, फिर ताऊजी बच जाते हैं तो उनको भी लेके आएगा साथ में। तो तब तक हम पैदा पैदा निकल रहे हैं, थोड़ा जहाँ तक पहुँच गए, अब तो सूखने वाले भी हो गए, हम तो सूख भी गए हैं अभी तक का था। और फाइनली मैंने गोपरो ले लिया, नहीं सॉरी ट्राइपॉड ले लिया, और मेरा ब्लॉग जो था इसी से फोटो रखा है। तो जिसने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं जल्दी। देखिए अभी हम पहुँचते चलते चलते हम पहुँच चुके हैं नंदमणि ताल, और यहाँ भी लोग स्विमिंग कर रहे हैं, नीचे दिख नहीं रहे हैं पकड़ पेड़ वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पर भी स्विमिंग चल रही है लोगों की। तो हम थोड़ा थोड़ा हौले हौले निकलते हैं यहाँ से, और देखते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं बाईपास होकर यहाँ पर, तो देख सकते हैं मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, मस्त सा मौसम, और सब लोग मिल चुके हैं हमको, ये लोग भी मिल चुके हैं, और जब दोबारा से उनको लेने चला गया है तो चलते हैं। ऐसा हो रहा हूँ आज, देख सकते हैं सुबह नहा धुल के गई थी, लेकिन फिर वैसे ही हो गया, घर जाके फिर नहाना पड़ेगा। तो वहाँ से आने के बाद हमने खाना बनाया, खाना खाया, और उसके बाद हम चले गए। अभी रेडी हो चुके हैं, 6 बज चुके हैं टाइम, और हम निकल रहे हैं अभी फन पार्क के लिए। तो हम घूमने, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ भीमताल में पहाड़ी बाखली का निर्माण किया गया है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलो और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इन शॉप्स नेवर, तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं इसे लाइन लगा रखे हैं यहाँ पे टिकट के लिए, तो बस इसके अंदर जाने लग गए। तो फाइनली हम इस झूले में बैठ चुके हैं, और हमारे साथ भी हैं वो, यहाँ चेक करें आप, ईस्ट वाले में। तो हम एकदम झूले के एकदम प्रॉपर टॉप पे देख सकते हैं, और वहाँ पे चल रहा है देखिए लाइक एवरीवन विल लव दिस। तो वहां से आने के बाद अब हम जा रहे हैं कोलंबस में, तो हम कोलंबस के चौक में बैठने वाले हैं। तो आपको भी दिखाते हैं। तो फाइनली यहां पे सारी दुकानें लगी हैं, और अब हम निकल रहे हैं यहां से, चलते हैं। चलिए
तो ये है वो फन पार्क। अरे मेलो का आनंद तबे ताल जब हम सब लोग सुरक्षित रहो। तो आते आते हम कितना लेट हो चुका है, देख सकते हैं एकदम अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। हम लोग इस टाइम पे जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमने अभी थोड़ा घूम फिरे, हम चलते हैं जल्दी से घर और हमें जाके मोमोज बनाने हैं। मोमोज का सामान हम सब लेके जा रहे हैं तो घर जाते हैं और जल्दी से बनाते हैं। तो फाइनली हमारे मोमोज बनने शुरू हो चुके हैं। ये है मोमोज का मसाला, दो मोमोज बने हैं और फिर उसका मैदा रखा हुआ है और यहाँ पे गूंद रहे हैं। अब इसके बाद मोमोज बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो फाइनली हमारे मोमोज बन चुके हैं, कुछ ऐसा रहा, सब खत्म हो चुका है लास्ट के, और टाइम देख सकते हैं टाइम ठीक 10 बज चुके हैं और हमारा इस टाइम पे मोमोज चल रहे हैं, हम आज भी इतने बिजी हैं। तो फाइनली टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं और आज हमको खाने पीने में लेट हो गई थी। तो फिलहाल अपने इस व्लॉग को करती हूं यहीं पे एंड, उम्मीद करती हूं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड बाय बाय।